हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनम आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में है सामान, तो जी हाँ, अभी मैं हूँ मुजफ्फरपुर स्टेशन पे और मैं जा रही हूँ दिल्ली। तो चलिए इस सफर में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हो मेरे पीछे जो ये गाड़ी लगी हुई है, इसी के बाद मेरे आने वाली है स्वतंत्रता एक्सप्रेस की जो गाड़ी है मेरी, जिसमें मैं बैठ के जाने वाली हूँ। तो उसकी टाइमिंग है कुछ 9:45। तो 9:45 में मेरी ट्रेन आने वाली है और अनाउंसमेंट हो रहा है। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ढोली के रास्ते समस्तीपुर को जाने वाली। तो गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना पानी ले लूँ, जो कि रेल नीर है, जो कि रेलवे से ही प्रोवाइड किया जाता है नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप आते हो तो 50 रुपीज़ से आप ज़्यादा मत देना। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने 15 रुपीज़ मैंने 100 का नोट दिया था, तो उनको मैंने बोला कि कितना प्राइस हुआ, तो उन्होंने मुझे 80 रुपीज़ रिटर्न किया था, जबकि उनको करना था 85 रुपीज़। तो फिर मैंने उनसे बोला, आर्ग्यूमेंट किया, फिर उन्होंने जाके 85 रुपीज़ मुझे रिटर्न किया। तो इस सब चीज़ों से बच के रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो बोलेंगे कि 5 रुपीज़ आपको ठंडा पानी के लिए मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिथ है। आपको 15 रुपीज़ में ही ये पानी मिलता है। जयनगर और स्वतंत्रता एक्सप्रेस जिस पे मैं जाने वाली हूँ, तो चलिए ट्रेन के अंदर बैठ के बात करते हैं। Do you know me? आपकी सीट है ये 16 है ये 8 कौन सी है फिर? सो गाइज, जैसा कि फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और मेरी सीट मुझे मिल चुकी है, और मेरी सीट है अपर साइड का, ऊपर वाला जो साइड होता है साइड अपर, तो मेरी सीट साइड अपर है, तो उस पर मैं बैठ जाती हूँ। तो मिलती हूँ आपको ट्रेन खुलते वक्त। सो फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और जैसे ही मैं ट्रेन में एंटर कर रही थी तो बहुत खुशी होती है जब आपके कोई सब्सक्राइबर आपको बोलते हैं आप यूट्यूबर हो। तो जी हाँ, मुझे एक सब्सक्राइबर मिली। मैंने उनसे बोला कि आप कैमरे में आओ, लेकिन वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, सबको ही नहीं होते हैं, लेकिन एनीवेज बहुत अच्छा लगता है मिलके। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। बाय बाय मुजफ्फरपुर।
पहुंच चुकी, मेरी हाफ जर्नी हो चुकी है कंप्लीट और मैं पहुंच चुकी हूं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और अभी मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा कि चलो बाहर का नज़ारा ले लिया जाए, एसी बहुत चिल थी, मैं रात में जैसे ही आई फिर उसके बाद मुझे जो मेरा सीट था वो मैंने पहले चेंज करवाया, क्योंकि वो जो सीट अपर साइड वाला जो था तो इसीलिए मैंने चेंज करवा लिया, क्योंकि वो बार बार दरवाज़ा खोलने पे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैंने चेंज करवाया और फिर मैं रात में सो गई थी। तो अभी मैं उठी हूँ और मैं पहुँच चुकी हूँ कानपुर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से ट्रेन खुल चुकी है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि कानपुर रेलवे स्टेशन में थोड़ी देर का स्टॉपेज था, आई मीन 5 से 7 मिनट्स का स्टॉपेज था। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने बहुत मज़ा किया होगा, इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो अगर मज़ा किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत थक चुकी हूँ तो चलती हूँ घर।